गुड इवनिंग एवरी वन वेलकम टू दी क्लास ट्वेंटी फोर स्वागत है आप सभी का इस शानदार सेशन के अंदर क्लास नंबर के अंदर जो कि आर पी एफ और एन टी पी सी के जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड है राइट हमारा रेलवे के एग्जाम के लिए या फिर आप इंडिया का कोई भी एग्जाम तैयार कर रहे हैं जिसमें स्टेट सर्विसेज या फिर जीके का पोर्शन कवर होता है करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके ये सारा पोर्शन अगर आपके स्टेट सर्विसेज या फिर कोई भी आपके एसएससी के एग्जाम में कवर होता है तो ये क्लास आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है बहुत ज़्यादा मदद करेगी। इस क्लास के अंदर हम जीके के फिफ्टी क्वेश्चन करते हैं जिन क्वेश्चन में से करंट अफेयर आपका शामिल होता है और साथ में स्टैटिक जीके वाला सेगमेंट भी शामिल होता है तो एक बार जल्दी से मेरे साथ ज्वाइन हो जाइए शेयर कर दीजिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ और मैं क्वेश्चन के साथ शुरू करती हूँ आरपीएफ और एन टीपीसी एल पी ये का जो पोर्शन है या जीके का जो पोर्शन है वो अगले कुछ दिनों के अंदर आपके नोटिफिकेशन नवम्बर के आखिरी तक जो उम्मीद की जा रही है अभी तो जोश थोड़ा अलग ही चल रहा है इंडिया लगातार सौ के अंदर सब पूरी टीम को आउट कर दे रही है क्रिकेट की अगर हम बात करें उसके अलावा दिल्ली के प्रदूषण की बात हो रही है दिल्ली में भयंकर प्रदूषण हो रहा है पंजाब से निकला हुआ प्रदूषण दिल्ली के अंदर ऐसा भर गया है कि वो कहीं और निकल नहीं पा रहा और गैस चैम्बर की तरह दिल्ली अभी बनी हुई है राइट उसके अलावा आपके इम्पोर्टेंट जो अर्थक्वेक दिल्ली में अर्थक्वेक भी आ रहे हैं कुछ कमी नहीं रहेगी दिल्ली में जब कुछ आता है ना तो वो बढ़िया से आता है अर्थक्वेक भी एक साथ ही आ रहा है आपका गैस चैम्बर भी बना है तो दिल्ली वाले लोग खौफ खौफ ज्यादा ज्यादा के रहते हैं। बहुत खौफ में रहते हैं हैं बहुत में लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट स्टार्ट विद द सेशन जीके और साइंस पचास ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस के सेक्शन या साइंस के क्वेश्चन मैं आपको अलग से भी कंप्लीट करा दूंगी इसमें जो आता है वो हम जो इसमें कवर कर रहे हैं इस फिफ्टी सेक्शन में वो थोड़ा सा मैं ज्यादा फोकस करूंगी आपका यहाँ पे जीके और साइंस में जीके वाले क्वेश्चन पे साइंस के अलग से हम क्लासेस भी कर लेंगे ठीक है देखिए चाहे आप इंडिया के बॉल्स जो हैं वो मंगा लीजिए इंग्लैंड से चाहे मंगा लीजिए पाकिस्तान से लेकिन जब कोई आदमी चल जाता है ना तो वो चल जाता है इंडिया की जो अभी पूरी टीम है इंडिया का बैटिंग ऑर्डर भी अच्छा है इंडिया का मिडिल जो लाइन है मिडिल ऑर्डर जो है वो भी कमाल का है और इंडिया की जो बॉलिंग है वो भी कमाल की है इंडिया का स्टंप और इंडिया की विकेट कीपिंग जो है वो भी कमाल की है और फील्डिंग भी कमाल की है तो इस टाइम पे इंडिया अगर साउथ अफ्रीका जैसी टीम को सौ के अंदर आउट कर सकती है जो कि सबसे बड़ी दावेदार है इस पूरे वर्ल्ड कप की तो फिर लगाने वाले इल्जाम तो कुछ ही लगाएंगे ना कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना ठीक है चलिए अभी के लिए देखिए ये वही लोग हैं जब इंडिया अगर हारती तो कहते अपने होम ग्राउंड पे भी इंडिया जीत नहीं पा रही है जब इंडिया लगातार जीत रही है तो कह रहे हैं कि इंडियन बॉल्स में कुछ किया गया है या फिर पिच पे कुछ किया गया ग्राउंड पे कुछ किया गया एनी विच वे अपने को तो पढ़ाई करनी है ना थ्योरी की साइंस की क्लासेस आपकी ऑलरेडी क्लास ट्वेंटी फोर के ऊपर चल रही है आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ पूरी साइंस कवर कर सकते हो राइट क्लास ट्वेंटी पे आप प्रिपरेशन सेगमेंट में जाइए एप्लीकेशन में जो कि रेलवे का होगा वहां पे ये क्लासेस जो हैं, वो आपको मिल जाएंगी और ये पूरा क्लास आपका कवर हो जाएगा इसमें मैंने अभी आज ही शुरू किया है बायोलॉजी अगर आप में से कोई भी बच्चा साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहता है तो बायो के साथ आज से ही शुरू कर दीजिए और बढ़िया तरीके से तैयारी शुरू कर लीजिए क्वेश्चन नंबर वन के साथ शुरू कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर वन Screen. Screen. अलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियों का किया, उत्कीर्णन किया गया है पिलर ऑफ द इलाहाबाद अलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां मैंशन की गई है या लिखी गई है बताइए क्वेश्चन नंबर वन के साथ शुरू करें क्या ही कर सकता है देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पे कौन बैठा गा? चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम जो गुप्ता एम्पायर को बिलोंग करते थे उनका बहुत ही होनहार लाड़ला बेटा समुद्रगुप्त जो है वो गद्दी पे बैठा जिसको क्या बोलते हैं भारत का नेपोलियन कहते हैं क्यों क्योंकि उसने लूटा ऐसा नहीं है भारत का नेपोलियन इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके समय पे सबसे ज्यादा एक जो वॉर्स थी वो लड़ी गई थी और भारत की मैक्सिमम स्टेट जो है वो समुद्र के अंडर थी बहुत सारे राज्य समुद्रगुप्त के अंडर थे बहुत सारी एरिया समुद्रगुप्त ने अपने अंडर में रखा हुआ था और उनकी ह्यूज आर्मी थी सबसे बड़ी आर्मी गुप्ता एम्पायर में समुद्र के अंदर ही थी थी इनके ही अंदर में रही थी. एवी स्मिथ के द्वारा नेपोलियन कहा गया था एवी स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था ये सारी जो चीजें लिखी हैं यानी कि इलाहाबाद के स्तंभ पे जो भी कुछ मेंशन किया गया है वो ऐरान करके बोलते हैं ऐरान जो एरान यहाँ पे ऐरान इंस्क्रिप्शन जो है वो कहा जाता है और ये याद रखिए सेकंड रूलर सेकंड किंग कहते हैं इनको समुद्र गुप्त को जिनको अलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन पे इनका मेंशन किया गया ये बताइए वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा या फिर ब्लैक करंट के नाम से भी कहा जाता है द लार्जेस्ट करंट विच इज नोन एज द ब्लैक करंट बिकॉज ऑफ इट्स डार्क वाटर बताइए वही पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी क्लास में सिर्फ आपको फोकस करना है जो क्वेश्चन है उनके सही आंसर देने पे that's it, बस और कुछ नहीं करना जो ब्लैक वाटर करंट या ब्लैक करंट जो है वो कहा जाता है डार्क डार्क करंट के नाम से इसको जाना जाता है ये जापान और फिलीपींस के कोस्ट पे पाया जाता है ठीक है जापान टोक्यो राजधानी फिलीपींस मनीला राजधानी जापान और फिलीपींस के जो ये आइलैंड कंट्रीज हैं दोनों के दोनों इनके अंदर में जो करंट होता है या इनके बीच में जो करंट पाया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं कुरुशुआ और ये कुरुशुआ जो है ना ये वार्म करंट होता है यानी कि इसका जो पानी है यानी कि इसका जो स्ट्रीम है वो गर्म कहा जाता है हॉट करंट कहा जाता है या वार्म करंट कहा जाता है ठीक है कैलिफोर्निया पे होता है आपका कोल्ड करंट कैलिफोर्निया वाला जो करंट है उसको कोल्ड करंट के नाम से जानते हैं को वार्म करंट या फिर ब्लैक करंट के रूप में आपका जाना जाता है ठीक है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता सिक्स शेड्यूल की अगर हम बात करें सिक्स शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सिक्स शेड्यूल है उसमें आपके ट्राइबल एरियाज के जनजाति के प्रशासन के बारे में लिखा हुआ है और इसमें ये आपकी जो भी सात सिस्टर्स हैं साथ में अगर हम सिक्किम को मिला लें, उन सिस्टर्स की अगर मैं सबकी बात कर रहा हूं यहाँ पे क्योंकि आपका मेंशन भी उसी तरीके से किया गया है तो आपके आठ राज्यों में से यानी कि सिक्किम को मिला के जो सेवन सेवन प्लस वन कहा जाता है एट हो जाता है ये टोटल आठ राज्यों में से किसको मेंशन किया गया है तो असम को मेंशन किया है मेघालय को मेंशन किया है त्रिपुरा को मेंशन किया है और साथ में मेंशन किया गया है मिजोराम को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज जो है वो हम चार सिक्स शेड्यूल में चार जो स्टेट्स हैं उनके लिए बोलते हैं असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम नागालैंड को सिक्स शेड्यूल के अंदर मेंशन नहीं किया गया है नागालैंड को हमने 371 जो आर्टिकल है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन उसको दिया गया है लेकिन आपके सिक्स शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज के अंडर में नहीं आता है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में मौजूद है ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है अगर मैं मणिपुर सिक्किम त्रिपुरा देखू तो तीन आपके नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ही हैं और इसी राज्य के अंदर लोकटक लेक भी मौजूद है ठीक है जिसके अंदर आपका वो नेशनल पार्क है जिसको कैबुल एमजी के नाम से जाना जाता है कैबुल एमजो के नाम से जो दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहा जाता है मणिपुर करके याद रखिए सिरोही नेशनल पार्क वारन पारा वारन आ, वार वारन वा पारा वारनबा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है वारणबा पारा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से राज्य के अंदर स्थित है वारनवा पारम छत्तीसगढ़ ठीक है भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे रायपुर की बात कर रहे हैं यहाँ पे वारन पारा पैना इंस्ट्रूमेंट इज फेमस फॉर विच स्टेट वाद्य यंत्र जो है ये कौन से राज्य से प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कहा जाता है वाद्य यंत्र कौन से प्रसिद्ध राज्य से या यंत्र जो है वो कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन से राज्य का प्रसिद्ध इंस्ट्रूमेंट है अच्छा इसको कौन सा ट्राइब बजाता है तो ट्राइब है मैतई ट्राइब अब ये बताइए ही ट्राइब कौन से राज्य को भारत के बिलोंग करता है फोक म्यूजिक होता है स्लो सोलो होता है मणिपुरी डांस फॉलो किया जाता है लाई हरोबा जो फेस्टिवल है वहां पे इसको बहुत ज्यादा लाई हरोबा के अंदर इसको बहुत ज्यादा प्ले किया जाता है क्या नाम लिखा हुआ है पैना पैना कहाँ से रिलेटेड हो गया मणिपुर से संबंधित हो गया लाई हरोबा नृत्य फोक डांस कौन से राज्य से संबंधित है लाई हरोबा फेमस है आपके मणिपुर से ट्राइब कहाँ पे है मणिपुर से संबंधित है फ्रेश जो आपके अभी थोड़ा सा ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे वो मैतई ट्राइब के बीच में ही हुए थे लिंगा नम लिंगा नमक्की बांध लिंगा नमक्की बांध ये कौन सी नदी पे स्थित है मणिपुर में मैत ट्राइब है ना लिंग लिंगा नमक्की डैम कौन सी नदी के ऊपर बसा हुआ है इसी नदी के ऊपर क्या कोई नहीं नहीं आपका एक शिव समुद्रम डैम प्रोजेक्ट कहाँ पे है शिव समुद्रम डैम प्रोजेक्ट कौन से राज्य के अंदर है कर्नाटक के अंदर है ना शिव समुद्रम जो शिव समुद्रम है ये कहाँ पे है कर्नाटक के अंदर कौन सी नदी के ऊपर है तो कावेरी नदी के ऊपर है ना शिव समुद्रम कावेरी नदी कर्नाटक राज्य अब आपसे लिंगा नमक की बांध पूछा जाएगा तो याद रखिए ये शरावती नदी के ऊपर है शरावती फॉल याद है आपको फॉल कहाँ पे है शरावती नदी और शरावती नदी भी कहाँ पे स्थित है भारत के कर्नाटका राज्य के अंदर स्थित है ठीक है शरावती भी कर्नाटका विश्व धरोहर दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे किस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे कौन से दिन मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस हेरिटेज डे हेरिटेज जैसे यूनेस्को जो है वो डिसाइड करती है इसको इस दिन क्या होता है कि इस दिन पूरा विश्व के अंदर जो ह्यूमन हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए बात की जाती है थोड़ा सा आप ये कहते हो कि सस्टेनेबल जो चीज़ें हैं सस्टेनेबल मेंटेन की जाती है ताकि आगे की जनरेशन के लिए वो बची रहे

वर्ल्ड हेरिटेज साइट जहां पे हम अपनी चीजों को प्रिजर्व रखने की कोशिश करें अठारह अप्रैल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इंटरनेशनल का कहाँ पे स्थित है अब ये क्या है पे हेरिटेज अच्छा 2023 की थीम भी याद रखे हेरिटेज चेंजेस 2000 इसकी थीम भी याद रखिए भाई वर्ल्ड हेरिटेज डे की 18 अप्रैल दो की थीम क्या है Heritage, आ, इसको मिटाना पड़ेगा 18 अप्रैल के लिए जो आपकी थीम रखी गई है वो क्या है हेरिटेज हेरिटेज चेंजेस चेंजेस यही आपसे पूछ लिया जाएगा ठीक है हेरिटेज चेंजेस करके याद रखिए ठीक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है ट्रांसपेरेंसी है क्या भाई ये 1993 में इस्टेब्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका मकसद ये था कि जितना भी दुनिया में करप्शन होता है या क्राइम होता है उसको रोका जाए चाहे वो फिर ट्रांस बॉर्डर ही क्यों ना हो जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री तो एक तो क्राइम प्रिवेंशन की बात की गई थी ट्रांस बॉर्डर क्राइम प्रिवेंशन थोड़ा सा करना पड़ेगा एंड नो करप्शन या करप्शन फ्री जो है वो ट्रांसबोर्डर करो ताकि करप्शन के साथ कभी भी किसी दूसरे कंट्री में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए अभी इसकी जो चेयरपर्सन है वो डेलिया फेरियो रोबियो है फाउंडेशन इसकी थ्री चार मई को की गई थी और हेडक्वार्टर इसका मौजूद कहाँ पे है बर्लिन के अंदर बर्लिन ठीक है बर्लिन कहाँ पे है बर्लिन कौन किस देश की राजधानी कहा जाता है भाई जर्मनी के लिए कहते हैं ना बर्लिन कहाँ पे मौजूद है जर्मनी के अंदर ठीक है इंटरनेशनल करप्शन Which of the following is known as Ocean Desert. से किस महासागरीय इनमें से किसे महासागरीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है ओशियन डेजर्ट क्या है ओशियन डेजर्ट ये 20 डिग्री टू 40 डिग्री नॉर्थ में मौजूद पे एक आ, आ, सी है जैसे चारों आपके सी नजर आ रहे हैं ये सरगासो सी के नाम से इसको जाना जाता है सरगासोसी इसको महासागरीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है क्योंकि ये पोर्तुगीज लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है और यहाँ पे रूटलेस सी ग्रास जनरेट करती है आपने कभी हेलियथस या फिर आईकॉर्निया के अगर पौधे देखे होंगे गाँव में बहुत होते हैं आपका जो लेक होता है ना लेक समुद्र जो होती है या जैसे लेक लेक तो चलो फिर भी रुका हुआ पानी है तो वहां पे क्या होता है कि रुके हुए ठहरे हुए ठहरे पानी में आईकॉर्निया डेवलप होती है कि शायद पंद्रह दिन बाद अगर आपको कोई लेक नजर आ रही है और उसमें दो चार आईकॉर्निया के आपने पौधे डाल दिए तो पंद्रह दिन के बाद यही आईकॉर्निया के पौधे ऐसे बिखर जाते हैं ऐसे फैल जाते हैं जैसे कि कभी यहाँ पे पानी था ही नहीं और सिर्फ पेड़ है है ना एक नए पर्सन के लिए हो सकता है उसको ये लगे कि पानी तो यहाँ है ही नहीं सिर्फ पेड़ है जबकि उन्हीं पेड़ों के नीचे पानी मौजूद है तो ये रूटलेस प्लांट्स होते हैं और सरगासो सी जो होती है सरगासो सी जिसे कहते हैं इसमें कैनरी ओशन करंट और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आके मिलते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ग्रास जो होती है बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी छोटी छोटी ऐसी बड़ी साइड से और छोटी छोटी ग्रासेस उसको कवर करके रखती हैं तो वो कोई समुद्र या फिर सी नहीं जाना जाता वो सी की तरह लगता भी नहीं है वो एक स्टैगनेंट चीज की लग तरह लगता है जिसको हम मरुस्थल बोलते हैं तो सरगासो सी करके हाँ जलकुंभी उन्हीं को कहते हैं यही होती है जलकुंभी कुंभी आइकॉर्निया जो मैंने लिखा है आइकॉर्निया क्रेसिपस इसको हेलियंतस के नाम से जानते हैं और वैसे जो है ना वो आपको वाटर लिली के नाम से आप इसको जानते हो वाटर लिली ये क्या करता है एक जगह डेवलप हो गया ना तो पंद्रह दिन के अंदर पूरी लेक चाहे कितनी भी बड़ी हो अगर एक जगह एक पौधा आपने डाल दिया तो पंद्रह दिन के अंदर वो पूरी झील या तालाब ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे कभी पानी भी था ऐसा आपको फील भी नहीं होगा इसको सौरो प्लांट बोलते हैं जैसे आपकी नदियां होती है ना कोसी नदी सौरो है उसी तरीके से आइकॉर्निया का जो पौधा है इसको सौरो, रिवर, सौरो प्लांट के नाम से जाना जाता है डेनमार्क की संसद को किस नाम से जानते हैं आपसे ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाते हैं ना आपसे पार्लियामेंट पूछी जाती है डेनमार्क की संसद को क्या कहते हैं डेनमार्क की करेंसी क्या है दानिश क्रॉन डेनमार्क की करेंसी क्या है दानिश क्रॉन के आर ओ एन ई डेनमार्क की कैपिटल क्या, क्या लिखी जाती है कॉपन हैगन कॉप ये कॉपन हैगन कौन सा कॉपन हैगन है यही है कॉप जहाँ पे जलवायु के जलवायु समिट हुए थे ठीक है जलवायु यहीं पे हुए थे आपके उसके अलावा आपकी जो इसकी पार्लियामेंट है उसको किस नाम से जानते हैं फॉल कैटिंग के नाम से जानते हैं ठीक है फॉल कैटिंग <laughs> uh, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के काले सागर में गिरती है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एस का ये फेवरेट क्वेश्चन है अगर आपने एस एस सी के कभी पी वाई क्यू देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको काफी बार रिपीट होता हुआ दिखाई जाएगा कौन सी यूरोपियन नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल के काला सागर यानी कि ब्लैक सी में आके गिर जाती है ब्लैक सी की मैं बात करूं तो ये यूरोपियन नदी है ब्लैक सी जो है वो कहाँ पे है आपका जो काला सागर है वो कहाँ पे मौजूद है आपका काला सागर मौजूद है आ, हाँ डेनमार्क जो है वो डेन ये जो आपका ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क के आइसलैंड के हिस्से को बोलते हैं ना डेनमार्क आइसलैंड कहाँ पे चले गए यूरोपियन रिवर जो है वो आपकी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और जाके काली नदी में मिल जाती है ब्लैक फॉरेस्ट ब्लैक सी ब्लैक फॉरेस्ट से निकली और काले समुद्र में जाके या काले सागर में जाके मिल जाती है ये यूरोप की सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है पहली बात तो देखो यहाँ पे मिसिसिपी मोरे वो हटा दीजिए मिसिसिपी आपके अमेरिका से संबंधित है राइट right. यहाँ पे जो आंसर है वो बोलगा और दानवे में कंफ्यूज नहीं करिए राइन नदी भी नहीं होगा यहाँ पे यूरोप के अंदर यूरोप के अंदर सबसे बड़ी नदी कौन सी है लार्जेस्ट नदी कौन सी है वोल्गा नदी है वोल्गा दूसरे नंबर पे कौन सी आती है दानुबे दानुबे ठीक है डेन्यूवे करके बोलते हैं इसको डेन्यूवे बोल दीजिए इसको डैनुवे बोल दीजिए क्योंकि रशियंस जो होते हैं या यूरोपियंस जो होते हैं वो डा शब्द को इस्तेमाल नहीं करते इसीलिए कभी भी इसको हम डेन्युवे प्रनाउंस नहीं करेंगे वो दा बोलते हैं वहां पे ना दा नाम से जो नाम है वो भी बड़े फेमस है जैसे कभी डामिर नाम नहीं होगा वहां पे दामिर नाम इस्तेमाल किया जाता है तो डा की जगह वो लोग दा को प्रोनाउंस करते हैं ठीक है दा की जगह दा शब्द ज्यादा इस्तेमाल करते हैं जो उनकी लैंग्वेज में भी है तो दानुवे नदी करके याद रखे यूरोपियंस जो है या यूरोप के अंदर सबसे बड़ी नदी है वोलगा दूसरी सबसे बड़ी है नदी दानुवे जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है ब्लैक सी के अंदर जाके गिर जाती है और ये दस कंट्रीज के साथ या दस कंट्रीज से होते हुए जाती है ठीक है ये सबसे ज्यादा कंट्रीज को कवर करती है वोल्गा शायद चौदह कंट्रीज को कवर करती है वोल्गा चौदह दानवे दस कंट्री को जिसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया स्लोवाकिया हंगरी क्रोएशिया सर्बिया बोल्गेरिया यूक्रेन भी इसमें शामिल होता है और रोमानिया भी इसमें शामिल है ठीक है जर्मनी के अंदर ब्लैक फॉरेस्ट है वहीं से ये ओरिजिनेट करती है यूक्रेन और स्लोवाकिया जैसे कंट्रीज को भी कवर करती है मुलामुत्था नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है ये तो बहुत ईजी है इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी दे चुके हो मुला मत, मुथा नदी के किनारे पुणे शहर करके याद रखे बसा हुआ है किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत नाम की पत्रिका की शुरुआत की थी दानवे नदी दस देशों से होके गुजरती है ठीक है हाँ कैपिटल सिटीज जो है वो मौजूद है और राइन कहाँ से आ गई राइन नदी कहाँ पे लर्न कर लिया आप लोगों ने राइन नदी तो आपकी इस तरफ नहीं है स्विट्जरलैंड वगैरह में फॉल करती है ना राइन नदी तो आपका स्विट्जरलैंड यूरोप है यूरोप के अंदर तीनों नदी यूरोप के अंदर है फॉर दैट मैटर ऐसे आपको मैंने कोई अलग से मिसिसिपी मोरी को अगर आप हटा दोगे तो बाकी नदियां तो यूरोप की ही है ना मुला मुथा रिवर जो है वो मुला और मुथा ये दो नदियां हैं जो पुणे रिवर में आके अपना कॉन्फ्लुएंस करती हैं और बाद में मुला मुथा रिवर जो है वो कौन सी बड़ी नदी को ज्वाइन कर लेती है भीम नदी को ज्वाइन कर लेती है कौन सी भीमा नदी को ज्वाइन कर लेती है ठीक है ये बताइए प्रबुद्ध भारत के नाम से कौन सी मैग किसने ये मैगजीन को शुरू किया गया था ना 1896 के अंदर 1893 तो आपको याद ही होगा 1896 करके याद रखिए 1896 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इस मैगजीन की शुरुआत की थी जो कि हमारे भारत में तब की सबसे बड़ी मैगजीन के नाम से जानी जाती है लॉन्गेस्ट जो है वो जानी जाती है लॉन्गेस्ट के रूप में मतलब सबसे बड़ी मैगजीन जो है वो यही निकलती थी केशव चंद्र सेन केसी सेन ने 1864 में 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की थी ठीक है और तकरीबन सात साल के बाद यानी कि 1861 में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज किसकी प्रेरणा से किया गया था वेद समाज के नाम से इसको शुरू किया गया था लेकिन बाद में इसको ब्रह्म समाज नाम दे दिया गया इसके तकरीबन सात साल के बाद किसके द्वारा इसकी प्रेरणा जो है वो किसके द्वारा हुई थी आप पे दो नाम याद रखिए केसी सेन और उसके श्री श्री घरालू घरालू नायडू नायडू ये फेमस बहुत है 1864 में इसका जो है वो मद्रास के अंदर इन्होंने विजिट किया था मद्रास चेन्नई में इस पूरे समाज को ओपन खोला गया था और वेदांश से इंस्पायर्ड था ये पूरा वेद ब्रह्म समाज ठीक है वेद समाज और ब्रह्म समाज दोनों वेद से इंस्पायर और अभी के आज का तमिलनाडु और ये क्षेत्र जो है पूरा और तब के मद्रास क्षेत्र के अंदर इसको शुरू किया गया था केसी? सेन जो है वो याद रखे स्वराज दल ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी स्वराज जो है वो 1923 की पार्टी कही जाती है सीक्वेंस आपको पूरा पता ही है 1922 में चोरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद किसी किसी चोरी चौरा इंसिडेंट्स के बाद जब रोक लिया गया वापिस ले लिया गया कई लोग गुस्सा हो गए जिसमें से चित्रंजन दास जी मोतीलाल नेहरू जी थे उन्होंने अपनी स्वराज पार्टी महात्मा गांधी जी के विचारों से विभिन्नता दिखाते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना की इसी स्वराज पार्टी ने असेंबली इलेक्शंस भी लड़े ठीक है इलेक्शंस भी लड़े और कितनी सीटों पे दर्ज जो है वो हाँ, मतलब गांधी जी के साथ गांधी जी को नकार नहीं रहे लेकिन गांधी जी के कुछ विचारों पे उनको सहमति यहाँ पे नहीं है तो 42 सीट्स करके याद रखिए जो पार्टी स्थापित की गई थी वो अलाहाबाद में की गई थी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में और 1925 में विठल भाई पटेल जी को सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का यहाँ पे मेन सदस्य भी चुना गया था ये इलेक्ट हुए थे एज एन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ठीक है है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपसे आगे भी पूछा जाएगा है ना ये वाला करके याद रखिए है ना भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा बनाती है डेल्टा मतलब देखो मुहाना बना देती है ना निकलती है तो ऐसा नहीं निकलती है कि पूरा ऐसे कॉन्फ्रेंस होके बाहर निकले जब बाहर निकलती है नदी तो इस तरीके से क्रिएट कर दिया जाता है डेल्टा जो है वो क्रिएट किए जाते हैं बताइए कौन सी नदी डेल्टा क्रिएट करी है डेल्टा बनाने वाली भारत के अंदर नर्मदा ताप्ती माही घग्गर और कावेरी नदी है ठीक है नर्मदा ताप्ती माही अब इसमें ऑप्शन जरा आप एलिमिनेट करना शुरू करिए कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है क्या कृष्णा नदी गोदावरी के साथ डेल्टा बनाती है अपना अलग से नहीं बनाती है कृष्णा नदी, नदी हटा दीजिए यहाँ पे महानदी हटा दीजिए यहाँ पे ठीक है आपका आ, नर्मदा ताप्ती आ, नर्मदा ताप्ती गंगा और घग्गर ऑप्शन कौन सा चुनेंगे साउथ इंडिया नदी तो है माही नर्मदा ताप्ती माही और घग्गर कौन सा ऑप्शन चुने नर्मदा ताप्ती और माही कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है क्या गंगा नदी तो डेल्टा नहीं बनाती है ना तीन ऑप्शन हट गए नर्मदा ताप्ती कृष्णा नदी बना रही है क्या कृष्णा नदी नहीं बनाती है ना डेल्टा कहाँ बनाती है कृष्णा नर्मदा ताप्ती माही और घग्गर नदी ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है तो आप यहाँ पे नर्मदा ताप्ती कृष्णागर गंगा नदी का गंगा नदी भी मेंशन होगा क्या गंगा नदी आपका जो ब्रह्मपुत्रा के साथ पूरा डेल्टा बनाती है तो लार्जेस्ट डेल्टा हो गया सुंदर डेल्टा कहते हैं सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है आप ये वाला याद रखिए एक बार दोबारा मैं आपको सारी नदियां लिख देती हूँ कृष्णा नदी बनाती है डेल्टा साउथ की बात करें तो सेंट्रल इंडिया की नर्मदा नदी भी बनाती है ताप्ती नदी भी बनाती है तापी या ताप्ती ठीक है उसके अलावा घग्गर नदी जो है वो डेल्टा क्रिएट करती है घग्गर नदी भी डेल्टा क्रिएट करती है याद रखिएगा उसके अलावा आपकी गंगा नदी जो है वो तो ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलके दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा क्रिएट कर ही रही है तो भारत की ये सारी नदियां कृष्णा नर्मदा ताप्ती घग्घर और गंगा और साथ में एक चीज और याद रखनी है कि कृष्णा नदी गोदावरी नदी के साथ मिलके डेल्टा क्रिएट करती है ठीक है गोदावरी नदी ऊपर से यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है अमरकंटक और नीचे यहाँ पे कृष्णा नदी है इनके द्वारा यहाँ पे डेल्टा क्रिएट किया जाता है दो नदियों के बीच का डेल्टा जो है वो क्रिया क्रिएट किया जाता है कृष्णा ताप्ती और गंगा इस ऑप्शन को चूज करके भी और ये लर्न भी कर लीजिए कृष्णा नदी नर्मदा नदी ताप्ती नदी घंग घग्गर नदी गंगा नदी और गोदावरी नदी तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन चूज करना पड़ेगा महानदी नहीं लिख रहे हैं महानदी नहीं ठीक है महानदी नहीं लिख रहे हैं ताप्ती नर्मदा ऐश्वरी बनाती है आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी आपके ऐश्वरीज बनाते हैं नर्मदा और तापी एक तो आपकी रिफ्ट रिफ्ट वैली नदी कही जाती है नर्मदा और तापी कौन सी नदियां कही जाती हैं रिफ्ट वैली नदियां कही जाती है दोनों की दोनों वैली रिफ्ट वैली नदियां रिफ्ट वैली नदियां इनको कहा जाता है रिफ्ट यानी कि पार्टीशन को तोड़ के गई हैं यहाँ पे तो ये एस् बनाती हैं ठीक है भाई सी ऑप्शन पे आ जाते हैं कावेरी गंगा महानदी कावेरी गंगा महानदी तो ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है ये डेल्टा नहीं बनाती ठीक है, फ्लोइंग नदी आपकी डेल्टा बनाती ही नहीं है सिंपल वेस्ट फ्लोइंग रिवर जितनी भी होंगी ये डेल्टा बनाएंगी नहीं तो कृष्णा बना रही है गोदावरी बना रही है गंगा बना रही है ठीक है? महानदी बना रही है वेस्ट रिवर नेवर डेल्टा नेवर फॉर्म्स द डेल्टा कृष्णा नदी आपकी डेल्टा नहीं ये गंगा ताप्ती ताप्ती नदी नहीं बना रही नर्मदा नदी नहीं बना रही

वो एस्टूरीज बना रही है और रिफ्ट वैली से क्रिएट कर रही है कावेरी गंगा और महानदी ठीक है कावेरी गंगा और महानदी भारत में पहली बार रेडियो का संचालन या ऑपरेशन कब स्थापित हुआ था साथ में ये भी बता दीजिए भारत में पहली बार रंगीन टीवी रंगीन टेलीविजन या रंगीन टीवी पहली बार कौन से साल में निर्धारित हुई थी सी करके ऑप्शन करेंगे ईस्ट और वेस्ट करके याद रखिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर जितनी भी हैं वो क्या बनाती हैं वो बनाती हैं नर्मदा और ताप्ती और साबरमती जैसी जिसमें साबरमती क्लियर एशरीज नहीं बना रही है लेकिन जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जैसे कि जो गंगा है बेस्ट बे ऑफ बंगाल में जो अपना पानी डाल रही है उसकी इंडिया के जो भारत देश है हमारा वो इस तरीके से नहीं है वो इस तरीके से टिल्टेड है ये इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो इंडिया है ना वो इस तरीके से प्लेन इस तरीके से नहीं है वो आपका इस तरीके से है टिल्टेड है टिल्टेड होने की वजह से इस तरफ में आपका डेल्टास बन जाते हैं जो गंगा कावेरी कृष्णा और गोदावरी नदी बना रही है और बाकी नर्मदा और ताप्ती नहीं बना रही है भारत में पहली बार रेडियो का संचालन कौन से साल में शुरू हुआ था रेडियो ब्रॉडकास्टिंग भारत में कब हुई थी पहली बार मुंबई और कोलकाता पहले तो आप ये याद रखिए मुंबई और कोलकाता के अंदर रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग शुरू की गई थी भारत में सबसे पहली बार दो राज्य जिनके अंदर ये शुरू हुआ था रेडियो ब्रॉडकास्टिंग वो है मुंबई और कोलकाता पहली बार 1927 के अंदर जो है 1927 में इनका फर्स्ट ऑपरेशन रेडियो ऑपरेशन भारत में शुरू किया गया था बाद में इसका 1957 ठीक है 1957 यानी कि 30 साल के बाद जब भारत देश आजाद हो गया और काफी कुछ भारत कर रहे हैं तो इसका नाम रख दिया All India Radio FM, है ना सुना होगा आपने AIR सुनते थे ना हम ए से प्रसारण कर रहे हैं ऐसे करके ना दोपहर के तीन बजे हैं और आप ए प्रसारण सुन रहे हैं तो ऑल इंडिया रेडियो करके इसको बोला जाता है आकाशवाणी आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो को ही ये लोग प्रनाउंस जब करते थे जब ये शो शुरू होता था कोई भी तो आकाशवाणी के नाम से जाना जाता था और भारत में पहली बार कलर टीवी कब आया था रंगीन टीवी जब भारत ने दूसरे जो गेम्स थे 1982 वाले जो एशियन गेम्स को होस्ट किया था 1982 1982 1982 को जब होस्ट किया था एशियन गेम्स के लिए तब भारत ने कलर टीवी लॉन्च की थी ताकि दुनिया पूरी भारत जो है वो क्या देख सके दुनिया में ये जितने भी प्लेयर्स हैं वगैरह जो गेम्स हो रहे हैं उनको यहाँ पे देख सके तो 1982 में कलर टीवी 1927 में फर्स्ट रेडियो ऑपरेशन जो कि मुंबई और कोलकाता में ही शुरू हुआ था और 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण जिसको आकाशवाणी के नाम से जाना जाता है हां जी एफएम जब बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन का वह शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है रेडियो में एफ एम वर्ड जो है वो फ्रिक्वेंसी के लिए नहीं है एम्पलीट्यूड मॉड्युलेशन के लिए तो टीवी और रेडियो में उल्टा फ्रीक्वेंसी का जो एफ का जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है भारत में पहली बार पी एस एल वी का उपयोग कब किया गया था भारत में पीएसएलवी पीएसएलवी क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत ने कब इसको पहली बार लॉन्च किया था लिक्विड स्टेज में इसको लॉन्च किया गया था 1994 के अंदर ठीक है 1994 में पीएसएलवी को लॉन्च किया था और उसके अलावा भारत एएसएलवी लॉन्च कर चुका है और लॉन्च कर चुका है PSLV क्या है पोलर सैटेलाइट लॉन्च वहीकल एस एल वी क्या है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च वहीकल जी क्या हैल की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा जीएसएल यूज करता है और सबसे हैवी जी मैक है, थ्री इसी को इस्तेमाल किया था चंद्रयान थ्री के लॉन्चिंग के लिए भी भारत तो अभी ए को इस्तेमाल नहीं कर रहा है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ड्रैकेंसबर्ग बर्ग पर्वत कहां पे स्थित है ड्रैकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पे स्थित है बताइए कौन से कंट्री के अंदर आपका लोकेटेड है ड्रेकेंस तीन हाईएस्ट पीक है साउथ अफ्रीका के अंदर जिनको शाम्पेन कासल मफादी और इन इन, इन सूतू इन करके बोला जाता है जैसे साउथ अफ्रीका की तीन कैपिटल्स है है ना साउथ अफ्रीका तीन कैपिटल्स लेके बढ़िया से घूम रहे हैं यहाँ पे प्रिटोरिया ब्लॉम फैटन ये ड्रेकर्ग जो है वो कहाँ पे लोकेटेड तो है साउथ अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका के बिल्कुल एक्सट्रीम East की तरफ जाके पूरी रेंजेस बनती, बनती है जो काफी इंपॉर्टेंट रेंजेस के नाम से जाना जाता है ये आ, आ, इसके अलावा देखो एटलस पर्वत की बात करें तो एटलस लोकेटेड है अल्जीरिया के अंदर टूनिशो और मोरक्को के अंदर अल्जीरिया टूनिशो और मोरक्को और एटलस की सबसे ऊंची चोटी तोबुकल के नाम से जानी जाती है है ना आपका अल्जीरिया के अंदर लोमा पर्वत सियारा लियोना और गिनिया के अंदर है ड्रेकेंसबर्ग, ड्रेकेंसबर्ग, ये साउथ अफ्रीका हो गया और किलमिन सिर्फ कहाँ की बात कर रहे हैं हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं उनपे ये सारे के सारे आपके जो आप पर्वत हैं, ये मौजूद है, है। किलमिंजारो ड्रेकेंसबर्ग लो, लोमा और एटलस, ये सारे लोकेटेड है ठीक है अच्छा मैप भी है ना ये आपका साउथ अफ्रीका पूरा यहाँ पे नजर आ रहा है आपको इस तरीके से साउथ अफ्रीका ये प्रिटोरिया उसकी एक राजधानी यहाँ पेम फटन ब्लॉयम ब्लॉयम फटन और पोर्ट आर्क का और ये रही तीसरी राजधानी एक राजधानी प्रिटोरिया दूसरी राजधानी ब्लॉयम फाउंटेन और तीसरी केप आ, केप टाउन और प्रिटोरिया से पूरा रश कर रहे हैं ये और लिशोथो को काटते हुए जाते हैं लिशोथो कैप कंट्री लॉग्ड है ये मतलब कि एक ऐसी कंट्री जो दूसरी कंट्री के अंदर में लोकेटेड है तो ये पूरा जो आपको यहाँ पे साउथ अफ्रीका नजर आ रहा है तो यहाँ पे लिशोथो जो है वो साउथ अफ्रीका के अंदर बंद है और ड्रेक पर्वत जो है वो साउथ अफ्रीका और लिशोथो पूरे को कवर करते हैं लिशोथो तो ऑलमोस्ट उन्होंने वन थर्ड तो कवर कर ही रखा है मेरे ख्याल उससे भी ज्यादा वन थर्ड से ज्यादा लिशोथो तो इन ड्रैकनबर्ग रेंजेस ने कवर करके यहाँ पे रखा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रतिहार अभिलेखों के संदर्भ में सिक्कों का नाम क्या कहा जाता था प्रतिहार इंस्क्रिप्शन में सिक्कों के जो नाम दिए गए थे का जो नाम दिया गया था वो किस नाम से जाना जाता था भाई इतना बार इतना क्वेश्चन कर... ये मत करो कैसे एडजस्ट करते हैं मतलब कहाँ एडजस्ट हो पा रही है एडजस्ट हो पाती तो मतलब फिर आपकी क्लासेस रेगुलर हो रही होती ना अगर एडजस्ट हो पाता तो क्लासेस एक भी नहीं छूटती जो कि आपकी छुट्टी है फ्राइडे को चलिए करके याद रखते हैं द्रम, प्रतिहार इंस्क्रिप्शन में सिक्कों के नाम को ध्रम करके लिखा हुआ है शीर्षक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई थी मनसोल्लास शीर्षक ग्रंथ की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी विक्रमादित्य विक्रमादित्य छठे के बाद जो कल्याणी राजा कल्याणी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे उनके द्वारा और नाम आपको याद रखना है सुमेश्वर तृतीय तृतीय ये ग्रंथ है या एक राइट अप है जो साउथ में तो काफी ज्यादा यूज भी किया जाता है निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है जोजिला मुलिंगला शिपकिला और लिखा लिखा पानी जोजिला मुलिंगला शिपकिला और लिखा पानी उत्तराखंड की बात करते हैं एक बार है ना उत्तराखंड के दर्रों की बात करें तो लिपू लेख है क्या है लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है बारा होती है बारा होती है। माना, माना माना भी, है। भी है मना मना पास मनाला ये भी उत्तराखंड के अंदर है नीतिला भी है नीतिला भी ऑप्शन में नहीं है थांगला है थांगला भी है और मुलिंगला भी है तो मुलिंगला करके याद रखिए मुलिंगला जो है मुलिंगला नितिला मानाला बारा होती लिपू लेख ये सारे के सारे कहाँ पे है उत्तराखंड के अंदर मौजूद है निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता इजिप्ट की ये हवाएं हैं सारी ठीक है इजिप्ट की है चाइना नहीं है चिनूक हमेशा हम अमेरिका में कुछ हवाएं हैं अमेरिका के कुछ एरिया को बिलोंग करती है जिसमें नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट वाले एरिया में फ्लो करती है मतलब अपर वाला एरिया जो की कनाडा और मेक्सिको को बिलोंग करता है यहाँ पे जब कनाडा का नाम लिया है तो आपने सुना ही होगा कि 19 नवंबर को खालिस्तानी जिन्हें कहते हैं पन्नू उनके द्वारा ये बोला गया है कि कोई भी खालिस्तानी या हमारा सपोर्टर जो है वो एयर इंडिया में ट्रैवल ना करे तो मतलब ये हाईजेक करने वाले हैं ऐसा इन्होंने हाईजेक करने वाले या बम से उड़ाने वाले एयर इंडिया की फ्लाइट को ऐसा इन्होंने पहले से ही बोल दिया है ठीक है कितने इंटेलिजेंट है ये चिनुक और चाइना मतलब ऑल ओवर इंडिया इसके बाद अलॉट पे तो है ही पर ये आदमी उनमें से हैं जो मतलब चाह ही रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमको पकड़ पकड़ के पुलिस ही ले जाए मतलब एनकाउंटर वैसी इंडिया करा ही रही है पाकिस्तान में करा रही है हो रहे हैं भगवान जाने यहाँ पे लेकिन एग्जैक्टली exactly जो है वो क्या हो रहा है अच्छे से ना यहाँ पे कवर किया जा रहा है मतलब बढ़िया तरीके से पूरा सेगमेंट कवर हो रहा है चलिए पे क्यों आ रहे भाई चलिए महात्मा गांधी जी रिमार्क अपोज डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक इज रिगार्डिंग द प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन के लिए या फिर कैबिनेट के लिए क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था उसको महात्मा गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक के नाम से बोला था और स्टेफ, स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा इसको यहाँ पे संचालित किया गया था क्रिप्स मिशन करके याद रखिए निम्नलिखित में से कौन सा लेखन महात्मा गांधी जी से संबंधित नहीं है नवजीवन द होली फैमिली हरिजन और हिंदू स्वराज इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक या ऐसी कौन सी पब्लिकेशन है जो गांधी जी के द्वारा नहीं की गई है हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा ही लिखी गई है कब लिखी गई थी हिंदू स्वराज 1909 के अंदर ठीक है हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी गांधी जी ने हरिजन जो है वो गांधी जी ने हरिजन हरिजन गांधी जी ने 1933 में की थी हरिजन तो आप लर्न कर लीजिएगा 1932 में पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी ने लोअर क्लासेस जो होती है उनको एक नाम दिया जिसको हरिजन के नाम से जाने लगा ये हरिजन नाम जो है वो हरिजन के पुस्तक उससे रिलेटेड रेलेवेंट करके लिख दी गई नाइनटीन थर्टी में नवजीवन जो पुस्तक है वो गांधी जी के द्वारा नाइनटीन में लिखी गई और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो गांधी जी की सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये ने 1924 से 1929 के बीच में कंपाइल की थी द होली फैमिली करके याद रखिए पवित्र परिवार ऐसी कोई किताब जो है वो गांधी जी के द्वारा मेंशन नहीं की गई थी और आपने शायद कभी पढ़ी भी नहीं होगी द होली फैमिली राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने सदस्य हो सकते हैं अध्यक्ष को हटाकर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन मैंने आपको कराया है शायद कराया है ना ये क्वेश्चन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के कितने टोटल आ, सदस्य हो सकते हैं भाई कर सकते हो आप ट्वेल्थ पास हो तो भी आप रेलवे के वैकेंसीज निकले तो सही पहले रेलवे के वैकेंसीज के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो अगर आप ट्वेल्थ पास हो यहाँ पे तो ग्रुप डी का एग्जाम निकलेगा एन में भी आपका निकलता है तो आप कोई भी पोस्ट जो है वो बढ़िया से भर सकते हो कोई भी दिक्कत किसी भी लेवल पे कहीं पे भी नहीं है ठीक है राज्य मानवाधिकार के कितने सदस्य हो सकते हैं हमने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पढ़ा था यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ठीक है तो दो लोग बस याद रखने आपके पास टोटल तीन लोग होते हैं यहाँ पे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में तो एक आपका यहां पे चेयरपर्सन हो गया एंड प्लस टू एल्स लिख दीजिए पे तो आपके पास टोटल ये तीन सदस्य हैं और तीन से ही लर्न कर लीजिए कि 1993 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था ठीक है 1993 में ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट आया था कौन से साल के अंदर 2006 के अंदर तभी आपका स्टेट और जो सेंट्रल है उसका या नेशनल जो है उसको कन्वर्ट किया गया था चेयरमैन जो होना चाहिए वो हमेशा कौन होना चाहिए रिटायर्ड जज ऑफ़ कहाँ का रिटायर्ड जज का? का। हाई कोर्ट ठीक है ऐसी किसी पर्सन को नहीं बनाना रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पंचायतों में सीटों के आरक्षण के बारे में प्रावधान है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन दी पंचायत रिजर्वेशन ऑफ सीट इन दी पंचायत कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? 243 डी करके याद रखिए अनुच्छेद दो सौ डी राइट टू फ्रीडम भारत के संविधान के किस आर्टिकल में लिखा हुआ है तो आर्टिकल नंबर 19 से लेके 19 बाईस के बीच में आपका फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम है आज़ादी। 19 में आपके 6 segments आते हैं, फिर उसके बाद 20, 21, 22 आपका छवेंटी right right uh, आर्मी से रिलेटेड है बत्तीस तक छत्तीस से लेके आपके जो इक्यावन तक है वो डीपीएसपी हो जाते हैं। चौदह से अठारह आपके इक्वालिटी ऑफ लॉ इक्वल बिफोर गया, उसके अलावा अनटचेबिलिटी हो गया कास्ट के, कास्ट सेक्स क्रीस्ट के बेस पे आपको अनएम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट ना दिया जाए उसके बेसिस से हो गया 25 और 28 ट्रैफिकिंग और ह्यूमन राइट से रिलेटेड हो गया जिसमें चाइल्ड राइट जो है उनको इंक्लूड किया जाता है ठीक है 25 टू तो 28 आपके जो इंक्लूड अच्छा आपके ये तो शोषण वाला तेईस और चौबीस है ना इज योर तेईस और चौबीस है ना तेईस चौबीस साल तक तो आपको समझ आ जा जाता है क्या ठीक है क्या नहीं है लेकिन उससे पहले आप नहीं समझ पाते हो पच्चीस और अट्ठाईस जो है ये धर्म से संबंधित है कौन सा धर्म आपको अपनाना है किस धर्म का आपको प्रचार करना है किस धर्म को आपको फाइनेंशियली और कैसे हेल्प करना है तो आर्टिकल नंबर नाइनटीन टू ट्वेंटी टू ये आपका फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम दिल्ली कोहना के बाहर इल्तुतमिश द्वारा नि, निर्मित विशाल जलाशय को किस नाम से जाना जाता था दिल्ली ए कोहना को के बाहर इलतुतमिश ने क्या किया इलतुतमिश स्लेव डायनेस्टी मामलुक डायनेस्टी का, का काफी इंपॉर्टेंट रूलर कहा जाता है और इसको रिजर्वायर ऑफ किंग के नाम से जाना जाता था कि राजा के द्वारा बनवाया गया है तो हौज़े ए सुल्तानी किस नाम से हौज़े ए सुल्तानी ठीक है इलतुत द्वारा निर्मित था ये सोलंकी वंश की राजधानी किसे कहते थे सोलंकी डायनेस्टी सोलंकी कास्ट आपने काफी सुना भी होगा सोलंकी डायनेस्टी गुजरात में रूल करती थी इनकी जो राजधानी कही जाती है वो अनहिलवाड अनहिलवाड़ के रूप में या अनहिलवाड़ जानी जाती थी और इसमें मूलराज प्रथम करके याद रखें मूलराज प्रथम जो सोलंकी डायनेस्टी है वो किसने शुरू की थी मूलराज प्रथम करके याद रखिये सोलस्टी सोलंकी डायनेस्टी मूलराज प्रथम के द्वारा स्टार्ट uh, की गई थी यानी कि उसको बनाया गया था क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है विच ऑफ कंट्री इज नॉट बिगर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरियाज ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कैनेडा और इंडोनेशिया कैनेडा तो आपको नंबर वन पे रखना रहता है ना यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्रीज की अगर हम बात करें मतलब इस नॉर्थ अमेरिका की तरफ तो रूस पहला है कैनेडा है यूएसए है चाइना है ऑस्ट्रेलिया है ब्राजील है तो भारत से छोटा कौन सा देश है इन चारों में इंडोनेशिया लेकिन भारत अकेले की जान भारत तो बहुत दूर की बात है आप उत्तर प्रदेश के राज्य को अगर मिला लेंगे तो सात बड़े नेशन जो है वो शाम, सा, शामिल हो जाएंगे। अकेला नोएडा जो है ना उसमें चार कतर शामिल हो सकते हैं चार कतर बन सकते हैं इंडोनेशिया इज नॉट लार्जर लेकिन इंडोनेशिया के अंदर आपका याद रखना है कि मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इंडोनेशिया के अंदर नाइनटी के आसपास है और पिछले सेंसस में जो उनका रिकॉर्ड है वो 86 परसेंट का है तो इंडोनेशिया इज एन इस्लामिक कंट्री लेकिन उसके बाद भी शायद इंडोनेशिया में इतनी मस्जिद या मुसलमान टोटल नहीं होंगे जितने भारत के अंदर है थर्टी फर्स्ट पैरल लाइन ये एक बाउंड्री बनाती है किन दो देशों के बीच में दो देश नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे अलग अलग ठीक है ट्वेंटी पैरल ट्वेंटी थर्टी वन के लिए क्वेश्चन पूछे ट्वेंटी एथ जो है वो किसके बीच में लीबिया और सुडान के बीच में बाइस किसके बीच में है इजिप्ट और सुडान के बीच में ठीक है बाइस इजिप्ट और सुडानी फिफ्थ पैरल किसके बीच में मोरेशियाना और माली ठीक है इसके अलावा फोर्टी नाइन्थ पैरल किसके बीच में है यूएसए और कैनेडा फोर्टी नाइन्थ किसके बीच में है यूएसए और कैनेडा यूएसए और कैनेडा इसके अलावा थर्टी थ्री भी है थर्टी वन भी है थर्टी वन ईरान और इराक के बीच में है थर्टी वन ईरान और इराक थर्टी एट पैरल किसके बीच में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में तो आइडियली आपका थर्टी फर्स्ट पैरल किसके बीच में ईरान और इराक हंगरी में किस प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन घास के मैदान के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्जेंटीना की अगर हम बात कर लें उरुग्वे या ब्राजील की बात कर लें यानी कि साउथ अमेरिका की बात करेंगे तो उसमें पंपाज होगा नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो प्रेरीज होगा अफ्रीका की दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे जिसको इंडिया ने अभी हराया है तो वेल्ड करके याद ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है है स्टेपीज जो वो यूरोप के अंदर मौजूद होते हैं प्रेरीज उत्तरी अमेरिका और पुश्ताज अगर आपसे पूछा जाए तो हंगरी करके याद रखे हंगरी के अंदर हंगरी की राजधानी क्या है जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए हंगरी की कैपिटल बताइए क्या है और हंगरी के अंदर जो ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं उनको पुश्ताज के नाम से जाना जाता है पुश्ताज इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है नाथपा झाकरी सतलज नदी के ऊपर है दुलहस्ती चिनाब के ऊपर है जम्मू कश्मीर हरिके डैम झेलम नदी पे है और थीन डैम रवि नदी के ऊपर है हंगरी की राजधानी बुड्डापेस्ट इसमें अभी पीछे आपका और कोई कमिटी भी हुई है ना बुड्डापेस्ट के अंदर नॉट करेक्टली मैच नाथमा झाकरी डैम सतलज दुल्हस्ती चनाव, हरी के डैम ड्या, डैम झेलम नहीं है ना हरिके डैम जो है वो बियास नदी है। ब्यास नदी के ऊपर है हरिके डैम ब्यास नदी के ऊपर है ना और तुलबुल डैम किशन गंगा ये मौजूद है झेलम नदी के ऊपर है ना किशन गंगा और तुलबुल इसमें किशन गंगा और तुलबुल ये मौजूद है झेलम झेलम हरिके किशन गंगा और तुलबुल डैम झेलम नदी के ऊपर है ना हाल ही में किसे 2023 का ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार मिला है ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड भारतीय है क्या कोई भारतीय है ना नंदिनी दास इंडियन बॉर्न ऑथर नंदिनी दास इनको 2023 का ग्लोबल कल्चरल इन के लिए कॉटिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर इसके लिए पूरा बुक इनको यहाँ पे इसको सम्मानित किया गया है इनको ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड से फीफा वर्ल्ड कप दो हजार चौतीस की मेजबानी कौन करेगा बताइए की, की ही की थी ना शायद फीफा की ही मेजबानी पीछे भी की थी तभी भी ऐसा हुआ था कि इन्होंने काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाए थे कि आपको सेलिब्रेशन में बिल्कुल भी अल्कोहल मदिरा का इस्तेमाल नहीं करना है जो भी प्लेयर्स होते थे वो कंट्री से बाहर जाके पीके आते थे वापस फीफा यहीं पे होने वाला है सऊदी अरेबिया की बात करें धाबी सऊदी अरेबिया करके 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप था वो कतर ने ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया था जिसमें अर्जेंटीना जीती थी किसको हरा के फ्रांस को हरा के 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे था कतर कौन जीता था अर्जेंटीना हरा कौन था सऊदी uh, अरेबिया जो है वो 2034 का होस्ट करेगी उससे पहले यूएसए कनाडा मेक्सिको 2026 का वेरी गुड कतर में हां जी पूरा 2022 वाला कतर जर्मनी फ्रांस के बीच का मैच जर्मनी जो जो है वो यहाँ पे सॉरी uh, अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच का मैच अर्जेंटीना जो है वो जीत गई थी ठीक है 2022 का कतर और दो का होने वाला है सऊदी अरेबिया अच्छा भारत के लिए हमने डिस्कस कर लिया था शायद कि 2036 का जो ओलंपिक्स होने वाला है वो भारत उसकी बिडिंग कर रहा है कि भारत को ओलंपिक्स कराने के लिए कंडक्ट किया जाए चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है चचनामा चचनामा कहाँ के इतिहास से संबंधित है तो सिंध करके याद रखे, सिंध पाकिस्तान के क्षेत्र को कहा जाता है और इसके एक किताब भी इसके लिए लिखी गई है जिसका ऑथर अली अहमद है चचनामा ये सिंध की इतिहास है चच एक राजा थे जो सिंध को बिलोंग कर देते तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इन सब में ये पूरा पार्ट को कवर किया जाता है मतलब तो पूरा पार्ट कवर होता है सांख्य दर्शन के स्थापना या फाउंडर किसे कहते हैं संस्थापक एक्चुअली सांख्य फिलोसफी किसके द्वारा 2018, 2022, 2026 और दो हजार चौतीस किसके द्वारा सांख्य फिलोसफी किसके द्वारा लिखी गई है महर्षि गौतम के द्वारा इनको सिक्स टाइप की मतलब सांक्य वर्ड से रिलेट करके रखेगा। टाइप की कीमिनी इनके बारे में लिखा हुआ है मेंशन किया हो गया। तो महर्षि गौतम या महर्षि देखिए फाउंडर इसके महर्षि कपिल को जाता है मतलब इसके जो फाउंडर थे वो महर्षि कपिल थे लेकिन इन्होंने जो किताब किताब जो लिखी थी पूरी वो महर्षि गौतम के द्वारा लिखी गई थी ये सांख्य शब्द जो है उसकी जो थ्योरी या फिलोसफी जो है ना वो महर्षि कपिल के द्वारा दी गई थी लेकिन जो पूरा वाइंड अप था लिखा जो गया था वो सांख्य वो आपके गौतम महर्षि गौतम के द्वारा Which city has recently been announced by UNESCO to be the country's first literary city? लिटरेरी सिटी भारत की कौन सी है हाल ही में यूनेस्को द्वारा शहर को देश का प्रथम साहित्य शहर बनाने की घोषणा जो की गई है वो कहा? केरला में लोकेटेड है ठीक है यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स में इसको इंक्लूड किया गया है इसके फेस्टिवल और बहुत सालों से जो केरला ने मेंटेन करके रखा हुआ है अपना एक कल्चर उसके रिस्पेक्ट में है और बात हो रही है कोजी कोड की ठीक है कोड हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण अच्छा मुझे लगा महादेव चिट फंडिंग वाला तो नहीं है ना महादेव वन्य जीव में टाइगर रिजर्व के गठन का आदेश दिया है रिसेंटली द कोर्ट ऑफ विच स्टेट हैज द फॉर्मेशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महादेव कहाँ पे है जुलाई चौबीस दो हजार तेईस की बात हो रही है गोवा बेंच जो बॉम्बे हाई कोर्ट में लोकेटेड है उसने ये बोला कि भाई आप एस्टैब्लिश करिए क्योंकि गोवा में अच्छे खासे से सलीम अली बर्ड सेंचुरी कोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ठीक है और उसके अलावा मोलम और बोंडला ये स्थापित हैं तो गोवा के अंदर ये बात की जा रही है कि गोवा के अंदर महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की भी स्थापना की जाएगी हाल ही में कहा के राजभवन में सिंहासन कक्ष का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है रिसेंटली इन विच राजभवन हैज द नेम ऑफ द थ्रोन रूम बीन चेंज टू सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी यूनिटी रूम कहाँ पे कन्वर्ट किया गया ये कोलकाता करके याद रखिये uh, मौका गया था एक जन्मदिन था किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल का और इसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तारीख है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर उसी टाइम मैंने आपको ये भी बताया था कि भारत में दिल्ली के शहर में आपके पास सात दिन का एक पूरा एक फंक्शन या फिर एक, एक एग्जीबिशन आयोजित की जाती है जहाँ पे पटेल जी के यूनिटी के नाम पे कुछ आ, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो की जाती है थर्टी अक्टूबर को इनका बर्थ था तो एक सेंचुरी में कलकत्ता के अंदर यहाँ पे उस कलकत्ता के राजभवन का नाम बदल के वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम के नाम से कन्वर्ट कर दिया गया है ठीक है मृक्ष कटिकम मृक्ष कटिकम किसके द्वारा लिखी गई किताब है बताइए मृक्ष कटिकम यह अलग ही चल रहा है इस क्वेश्चन का अलग ही जा रहा है चलिए मृक्ष कटिकम मृक्ष कटिकम किसके द्वारा लिखी गई किताब है तो शुद्रक लर्न करिए शुद्रक ठीक है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है एड इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत ही सिंपल है है ना क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर कर सकते हैं वियना लिख दें यहाँ पे 29 जुलाई 29 जुलाई 1957 ठीक है 1957 को वियना वियना किसकी राजधानी है वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी कही जाती है इसके अंदर इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी आई को स्थापित किया गया था और यूनाइटेड नेशन जो न्यूयॉर्क में स्थित है उससे ये उसकी पेरेंट वो पेरेंट कंपनी है सुब्रतो मुखर्जी कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है तो फुटबॉल करके याद रखिए इनकी मैंने आपको पूरा जो स्पोर्ट्स हैं वो दे दिए आपको लिस्ट दे दी गई है

और लॉर्ड वेवल दोनों के साथ बातचीत की थी कांग्रेस अध्यक्ष क्रिप्स मिशन के साथ, के साथ भी बात कर रहे हैं इसमें आप अबुल कलाम आजाद करके याद 1942 का मिशन ही आपे। अबुल कलाम आजाद ने क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास कराने में भी मदद की थी पूरा नाम मौलाना अबुल कलाम आजाद बोला जाता था हिरण्य गर्व नामक धार्मिक कार्य किसके द्वारा करवाया गया था हिरण्य हिरण्य गर्भ राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से इम्पोर्टेंट है आपको नाम भी पे जो दिख रहे हैं वो अलग अलग दिख रहे के लिए बोलते है यशो वर्मन। दंती दुर्ग के याद रखें दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय के नाम से या दंती दुर्गा के नाम से जाना जाता था इनके द्वारा जो कि राष्ट्रकूटा एम्पायर के शासक या फिर फाउंडर कहे जाते हैं इनके द्वारा हिरण्य गर्भ जो रिलीजियस या हिरण्य गर्भ नामक धार्मिक हिरण्य गर्भ जो रिलीजियस वर्क है वो इनके द्वारा करवाया गया था ठीक है हाल ही में किस स्टेडियम में सचिन की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है मैचेस चल रहे हैं आप देख रहे हो काफी ज्यादा इस मैच के अंदर पीटा था लिटरली पीटा था इंडिया ने श्रीलंका को आप बताइए पीछे हुआ है ना मैच और श्रीलंका जो है ना उसको झेल नहीं पाई है थोड़ा सा है ना श्रीलंका ने ये इतनी जो हार 302 रन से हारा है इंडिया से श्रीलंका और 302 रन हारने के बाद वहां के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने पूरी की पूरी श्रीलंका की जो क्रिकेट बोर्ड टीम है ना उसको खारिज कर दिया भाई हो गया तुम्हारा का चेंज कर दिया यहाँ पे सचिन तेंदुलकर की स्टैचू अभी वानखेड़े स्टेडियम के अंदर स्थापित की गई है वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है मुंबई के अंदर है ठीक है फाइनल मैच भी आपके यहीं पे होने वाले हैं ना फाइनल मैच श्रीलंका की तो पचपन पे आउट हुआ था तीन सौ दो से इंडिया जीती थी यहाँ पे ना तीन सौ दो से एनी कभी कभी ऐसा तो लगी रहे मैच जीते और उसके बाद सौ के अंदर आप आउट कर दो तो लोग कुछ तो कहेंगे एनी विचवेज हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित किया गया है या फिर हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर अनु किया जाएगा अभी किया नहीं गया वर्ल्ड हाईएस्ट न्यूक्लियर पे स्थापित किया जा रहा है बोलीविया करके याद रखिए बोलीविया चार हजार मीटर चार हजार मीटर ये सी लेवल से ऊंचा है ठीक है चार हजार मीटर सी लेवल से ऊंचा है ठीक है लास्ट क्वेश्चन बता दीजिए भारत ने किस देश से एस फोर हंड्रेड वायु रक्षक मिसाइल स्क्वाड्रं खरीदे हैं एस फोर हंड्रेड एयर मिसाइल भारत किससे खरीदता है पैंतीस हजार करोड़ की ये मिसाइलें हैं पूरी 2018-19 में इसको मंजूरी दी गई थी और अब इसकी जो कुछ जो कुछ मिसाइल्स हैं उनको अभी रिसीव किया जा रहा है इंडिया के द्वारा तो बात हो रही है यहाँ पे रशिया से एस फोर हंड्रेड भारत किससे खरीद रहे रशिया से ठीक है तभी के लिए गए थैंक यू सो मच साइंस की क्लास जो है ना वो आप मेरी ज्वाइन कर सकते हैं एंड एज यूजल कल भी आपकी क्लास यहाँ पे होने वाली है कल की क्लास भी ज्वाइन कर लीजिएगा नाइन ओ क्लॉक हम शुरू करने वाले हैं और सेम पचास क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो से इम्पोर्टेंट और मेरा टारगेट ये कि जो भी चीजें आपको दी जा रही है वो इतना फ्रिक्वेंसी पे दी जाए कि आपको वो चीजें लर्न भी हो जाए जैसे स्पोर्ट्स के जो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन सा कप है आगे अब इसमें ना हम स्पोर्ट से रिलेटेड उनके प्लेयर्स स्पोर्ट से रिलेटेड उनके जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं उनको इस्तेमाल उनको लाएंगे एंशंट इंडिया की किताबों की भी लिस्ट आपको दो तीन बार मिल चुकी है, है ना ये भी आप लर्न कर लेना ये भी आगे आपको जो है वो कवर हो जाएगी अब हम इसको आगे